हेलो बच्चों, स्वागत है आप सब बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 की वर्कशीट 1 डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है बच्चों सामाजिक विज्ञान, भूगोल और डेट इस वर्कशीट 5 अप्रैल 2021। तो आप सब बच्चे जो 6th क्लास से 7th क्लास में आए हैं, जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दें। तो आपकी पहली वर्कशीट है, तो इसके लिए आप सामाजिक विज्ञान की अलग से कॉपी जरूर बना लेना, और जितनी भी आपकी सामाजिक विज्ञान की, भूगोल की और वर्कशीट आती है उसको आप टाइमली करते रहना, ठीक है। तो यहाँ पर अपन में नाम लिखना, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना। तो आपकी पहली वर्कशीट का टॉपिक है आपका पर्यावरण। पर्यावरण देखते हैं क्या है। लंबी छुट्टी के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसकी स्कूल के निकट के खेल के मैदान में एक खुदाई हो गई थी, ठीक है। तो बहुत दिनों के बाद वो स्कूल गया था, तो स्कूल के मैदान, स्कूल के पास उसने देखा कि एक मैदान था और अब उसमें क्या हो रही, खुदाई हो गई थी। वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक घरों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियाँ वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने ये बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसा हमारा पर्यावरण बदल रहा है। तो ये बात सुन के जो उसकी प्रधानाचार्य थी, उसका ही बहुत दुख हुआ और उसने कहा कि जो हमारा पर्यावरण है बहुत जल्दी जल्दी वो बदल रहा है। तो कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो। शिक्षक ने बताया, तो शिक्षक ने बताया कि जो भी हम अपने आसपास चीज़ें देखते हैं, जितनी भी आपके आसपास चीज़ें हैं, वो क्या कहलाती है, पर्यावरण कहलाती है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी क्या हमारे पर्यावरण के अंग हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो आगे देखते हम इसमें, अपने आसपास उपलब्ध पदार्थों की सूची बनाइए एवं उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। तो आपको अपने आसपास की चीज़ें देखनी है। आपको बताना कि घर में उपलब्ध पदार्थ, पड़ोस में उपलब्ध पदार्थ और विद्यालय में उपलब्ध पदार्थ, उसके नाम आपको इधर लिखने हैं। तो जैसे कि फर्स्ट घर में उपलब्ध, घर में क्या क्या होते हैं बच्चे, कुर्सी होती है, सोफ़ा होता है। पड़ोस से हम क्या क्या होता है, पेड़ जो होते हैं वो पड़ोस में भी होते हैं, जिसकी छाया हमारे घर पर भी आ जाती है। दुकान, वो भी क्या होती है, पड़ोस में होती है। विद्यालय में उपलब्ध पदार्थ कौन कौन से होते हैं, स्कूल हो, स्कूल का जो भवन होता है, मेज होती हैं, कुर्सी होती हैं, वे सभी क्या हमारे आसपास के पर्यावरण के पार्ट हैं ये सभी। आगे देखते हैं इसमें हम, तो आगे है, क्या ये सभी पदार्थ एक समान हैं। तो जैसे हमने पदार्थ के नाम लिखे थे, तो ये क्या सभी एक जैसे समान हैं। तो इनको दो पार्ट में डिवाइड किया, जैसे जीवीय और अजीवी। जीवी क्या होते हैं, सजीव प्राणियों का संसार, मतलब तो जो व्यक्ति, जो प्राणी सांस ले पाते हैं, जो मूव कर पाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सजीव। तो सजीव प्राणियों के संसार को हम क्या कहते हैं, जीवीय कहते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे इसके पेड़, मैंने यहाँ पर लिखा था ना, पेड़ जो पड़ोसी का होता है, तो पेड़, पौधे एवं जीव जंतु, ये सभी क्या हमारे जीवीय पदार्थ है। और अजीवीय निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे कि स्थल, जैसे कि मिट्टी जो है वो क्या हमारा निर्जीव में आता है, तो ये क्यों अजीवीय है। आगे हमारे पास नीचे दी गई वर्ग, पहले में कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं, उनकी पहचान करके नीचे दी गई तालिका में जैव पदार्थ एवं अजैव पदार्थ लिखिए। तो तालिका दी गई, इसमें जो जैव अजैव पदार्थों को इसमें से आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे लिखना है। तो देखते हैं इसको हम, तो जैसे कि इसमें बच्चे पेड़, पहले मैं इसको सर्कल कर रही हूँ, कौन कौन से पर्यावरण के पार्ट है, पेड़, कार, पुरुष, ठीक है, लकड़ी, नदी, ठीक है, नदी हो गया हमारे पास। और देखते हैं हम इसमें रेगिस्तान, यहाँ से हो गया रेगिस्तान। और आगे देखते हैं इसमें हम, और है हमारे पास, और है बच्चे इसमें हमारे पास हो गया जंगल, ठीक है। तो ये सभी क्या हमारे पर्यावरण के पार्ट हैं। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमारा क्या था, किसको जैव और अजैव पदार्थ में वर्गीकृत करना। तो जैव में क्या है, पेड़, जंगल और पुरुष, क्योंकि जंगल में क्या पेड़ पौधे होते हैं, वो भी क्या कहलाएगा, जैव का पार्ट कहलाएगा। और अजैव में क्या, लकड़ी, नदी, रेगिस्तान, कार, और जो पुल था वो भी क्या हमारा अजैव में आएगा। तो ये सभी क्या हमारे अजैव पदार्थों के उदाहरण हैं। आगे हम देखते हैं, हमने ये पाठ कर लिया, इसका आगे देखते हैं, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण की डेफिनेशन है
कि किसी भी जीवित प्राणी के आसपास जो भी चीज़ पाई जाए, जैसे कोई भी लोग है, स्थान है, वस्तुएं हैं, प्रकृति की, वो हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक या मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। जो पर्यावरण होता है उसमें प्राकृतिक चीज़ें भी आती हैं, मानव निर्मित चीज़ें भी आती हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियाँ शामिल हैं। और जो प्राकृतिक होती है उसमें हम जीवीय और अजीवीय में इसको हमने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो आपको पूरी वर्कशीट, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, आगे देखते हैं हम हमारी पूरी वर्कशीट, जो भी अब नेक्स्ट वर्कशीट आएगी उसका सोल्यूशन मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दूँगी। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना होगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे एक बेल आइकन आएगा आपके लेफ्ट साइड में, तो इसमें आप ऑल पे क्लिक कर देंगे, तभी आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो बच्चों लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।